दिल्ली से तो बहुत करीब है संसद जहां से आप लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आपने कोशिश बेगूसराय से भी की। अब देखिए स्वीकार्यता का मसला है, वहां पर लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने ब्लॉक किया टिकट कन्हैया का, यहां भी कुछ कांग्रेसी हैं जो चाहते नहीं है कि कन्हैया कुमार उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। कांग्रेसी बीजेपी अगर नहीं चाहती है तो समझ में बात आती है। देखिए लोकतंत्र में ना सारे फैसले जनता लेती है, जनता अगर आपको सर आंखों पे बिठाती है तो आप जो है उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता अगर नहीं करती है तो नहीं करते हैं। रही बात यहाँ विरोध का वहाँ विरोध का, मैं ईमानदारी से आपको बता दूँ मेरे सामने कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, और मैं इस तरह से इस बात को ऐसे देखता हूँ कि मैं उतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि कोई मेरा विरोध कर सके। मैं तो इस देश का एक साधारण नागरिक होने के नाते सरकार से सवाल पूछता हूँ और लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, और लोगों के भरोसा पैदा होता है कि ये इंसान हमारी बात कर रहा है, हमारे मुद्दों को उठा रहा है, तो कोई कुछ भी बोले हम जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे।